हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस आवर चैप्टर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स आर यूज इन वेरियस फील्ड्स फॉर डिफरेंट यूजेस कंप्यूटर का यूज़ बहुत सारी फील्ड्स में होता है अलग अलग यूज़ के लिए दे आर कैटेगराइज इनटू फोर टाइप्स बेस्ड ऑन देयर साइज ये चार पार्ट में डिवाइड हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एंड कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो हम अभी उन चारों पार्ट को पढ़ते हैं फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स कैसे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज़ एंड कैपेबिलिटीज़ माइक्रो कंप्यूटर्स छोटे होते हैं साइज़ में और अपनी कैपेबिलिटीज में भी दे आर जनरली यूज इन स्कूल्स ऑफिस शॉप्स एक्सेट्रा इनका यूज़ जनरली कहाँ कहाँ होता है स्कूल में ऑफिस में शॉप्स में और बहुत सारी जगह टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब जो कि वेरियस टाइप्स की जॉब करता है दे आर द मोस्ट पॉपुलर एंड मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर ये मोस्ट पॉपुलर हैं और मल्टीपर्पज़ हैं कंप्यूटर दिस दे आर मोस्ट पॉपुलर एंड मल्टीपर्पज़ कम्प्यूटर ये बहुत पॉपुलर और मल्टीपर्पज़ हैं दीज कंप्यूटर्स आर चीपेस्ट एट कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ये कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर से कंपेयर करें तो मिनी कंप्यूटर से कंपेयर करें या फिर सुपर से कंपेयर करें सो so, हमारे सबसे सस्ते कंप्यूटर्स कौन से हो गए माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं एग्जाम्पल्स हैं इनके डेस्कटॉप टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स ये सभी हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं डेस्कटॉप्स आर कैप्ड ऑन अ टेस्क डेस्कटॉप को डेस्क पे रखा जाता है एंड नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है इसको वर्क करने के लिए लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स कैन बी कैरीड अलॉन्ग एंड वर्क ऑन चार्जेबल बैटरीज लैपटॉप्स और टैबलेट्स को हम कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं और इनको सिर्फ चार्जेबल बैटरी चाहिए होती है वर्क करने के लिए अगर हम इनको एक बार चार्ज कर लें तो उसके बाद हम अपने साथ इनको कहीं भी कैरी कर सकते हैं जब तक इनकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी ये वर्क प्रॉपरली करेंगे नेक्स्ट देखते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर आर मोर कैपेबल देन माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अपेक्षा ज़्यादा कैपेबल होते हैं ज़्यादा वर्क कर सकते हैं दे आर फास्टर एंड हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी ये फास्टर भी होते हैं जल्दी काम करते हैं और इनके पास ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है देन द माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के कंपेरिजन में दीज कंप्यूटर्स आर यूज लेस दीज डेज ये कंप्यूटर आजकल कम यूज़ किए जाते हैं एग्जाम्पल्स हैं इनके पी डी पी इलेवन के टू जीरो टू एक्सेट्रा मेन फ्रेम आर मोर कैपेबल कंप्यूटर्स, मेनफ्रेम कंप्यूटर मोर कैपेबल कंप्यूटर्स होते हैं दे आर लार्जर इन साइज़ ये साइज़ में बड़े होते हैं फास्टर होते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं मिनी कंप्यूटर से। दे आर, दीज आर मोस्टली यूज बाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा नीड्स टू स्टोर जहाँ की बहुत सारा डाटा चाहिए होता है स्टोर करने के लिए सच एज बैंक रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा जैसे कि बैंक वहां पर बहुत सारा डाटा होता है जिसको स्टोर करना होता है रेलवे स्टेशंस पर भी सो so, इनका यूज मोस्टली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है एग्जाम्पल्स क्या है इनके आईसीएल थर्टी नाइन आई बी एम फोर थ्री एट वन हिताची जेड एट्टी आई बी एम जेड थर्टीन नीचे आपको एक फिगर भी दिख रही होगी आई बी एम जेड थर्टीन की सो so, आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े होते हैं साइज़ में तो इनको साइज प्रॉपर स्पेस भी चाहिए तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही जहाँ पर बहुत सारा डाटा होता है स्टोर करने के लिए ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं नेक्स्ट है हमारे सुपर कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं दे आर यूज इन फॉरकास्टिंग वेदर कंट्रोलिंग सेटेलाइट्स डिज़ाइनिंग एयरक्राफ्ट स्टडिंग अर्थकुैक एक्सेट्रा ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं फॉरकास्टिंग वेदर मतलब पहले से ही आपको वेदर पता चल जाता है ना कि वेदर कल कैसा रहने वाला है बारिश होने वाली है या क्या होने वाला है और सेटेलाइट्स को कंट्रोल करने में एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने में अर्थ कु आने वाला है या नहीं उसके बारे में स्टडी करने में इनका यूज़ होता है एग्जाम्पल्स हैं इनके क्रे एक्स एम पी पेस टाइटन एक्सेट्रा ये सभी Sunway, Teehu, सुपर कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज सनवे तीहू लाइट सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है सनवे तीहू लाइट जो डेवलप किया गया था जो डेवलप किया गया था चाइना के थ्रू पैरम टेन थाउजेंड पैरम युवा एक्सेट्रा आर सुपर कंप्यूटर्स डेवलप बाय इंडिया पैरम टेन थाउजेंड पैरम ये सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि इंडिया के थ्रू डेवलप किए गए थे हैंडल डिवाइस क्या होते हैं अ हैंडल डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ हैल्ड इन अ हैंड एंड कैन कन्वीनियनली स्टोर इन अ प प प पॉकेट हैंडल डिवाइस कंप्यूटर वो होते हैं जिनको हम हैंड से पकड़ते हैं और इन को हम कन्वीनियनटली अपनी पॉकेट में भी स्टोर कर सकते हैं इट इज़ यूज वाइल होल्डिंग इट इनका यूज़ जब होता है जब हम इनको पकड़ के रखते हैं टच स्क्रीन इज़ द प्राइमरी मैथड ऑफ इनपुट इन सर्च डिवाइसेज टच स्क्रीन इनका प्राइमरी मैथड होता है कि हम कोई भी इसके अंदर इनपुट मीन्स कुछ भी डाटा अगर हमें फीड करना है तो हम उसमें इनपुट कर सकें इन डिवाइसेज़ में स्मार्टफोन स्मार्ट, स्मार्ट वॉचेज़ एंड गेमिंग कंसोल्स आर सम एग्ज़ाम्पल ऑफ हैंडल डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन स्मार्ट, स्मार्ट वॉचेज़ और गेमिंग कंसोल्स कुछ एग्जाम्पल हैंडल डिवाइजेज़ के स्मार्टफोन्स क्या होते हैं स्मार्टफोन्स स्मार्टफोन तो आपको सभी को पता होंगे कि स्मार्टफ़ोन क्या होते हैं आप सभी के पास स्मार्टफोन है सो स्मार्टफोन आर द देंडल डिवाइस स्मार्टफोन हैंडल डिवाइस है दैट अलाउज़ अस टू मेक और रिसीव कॉल्स एंड सेंड मैसेज जो कि हमें अलाउ करता है कि हम कॉल्स को रिसीव कर सकें या फिर उसे मैसेज भेज सकें दे हैव एन एल फ्लैट स्क्रीन एंड अ टच स्क्रीन कीबोर्ड इनकी एल सी डी फ्लैट स्क्रीन होती है और टच स्क्रीन का कीबोर्ड होता है

दे ऑफ़र फंक्शन सिमिलर टू दो ऑफ़ आमार्टफ़ोन ये हमें फंक्शन सिमिलर जैसे कि हम स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं उसी की तरह फंक्शंस हमें ऑफर करती हैं लाइक कनेक्टिंग टू द इंटरनेट इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं रनिंग मोबाइल मोबाइल चला सकते हैं इस पर मोबाइल के एप्स मेकिंग कॉल्स और इससे हम कॉल भी कर सकते हैं गेमिंग कंसोल्स क्या है गेमिंग कंसोल्स आर हैंडल डिवाइस देट आर यूज टू प्ले गेम्स एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस गेमिंग कॉन्सोल्स एक हैंडल डिवाइस है जिसको कि हम कहीं पर भी गेम खेल सकते हैं कि, किसी भी टाइम दिस डिवाइस आर डिज़ाइन फॉर इंटरेक्टिव वीडियो गेम प्ले एंड डिस्प्ले ये डिवाइस डिज़ाइन किए गए हैं इंटरेक्टिव वीडियोस के लिए गेम प्ले के लिए और डिस्प्ले के लिए नेक्स्ट है एम्बेडेड कंप्यूटर्स एन एम्बेडेड कंप्यूटर इज अ स्मॉल कंप्यूटर फिक्स इंसाइड अ मशीन एम्बेडेड कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर होता है कि जो कि मशीन के अंदर फिक्स होता है इट इज़ अ कंप्यूटर विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड रिक्वायरमेंट ये एक तरह का कंप्यूटर होता है जिसमें कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि लार्जर सिस्टम के में यूज़ किए जा सकते हैं जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी कंप्यूटर जैसे कि हम ऑर्डीरी कंप्यूटर में यूज़ करते हैं सो so इसमें भी एक छोटा सा कंप्यूटर फिक्स होता है जिसको कि ही तरह से यूज़ कर सकते हैं एन एम्बेडिड कंप्यूटर हैज़ एन द एजेंशियल कॉम्पोनेंट्स एम्बेडिड कंप्यूटर के अंदर ये ये इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स होते हैं सी पी होता है रैम होता है रोम होता है इनपुट डिवाइेज होती हैं आउटपुट डिवाइज होती है और क्लॉक होती है एम्बेडिड कंप्यूटर्स आर प्रजेंट इन मैनी डिवाइज एम्बेडिड कंप्यूटर बहुत सारी डिवाइजेज में प्रेजेंट होता है किस किस में सचेज ए टी एम मशीन्स ए टी एम मशीन में मॉडर्न टी वी सेट्स जो आजकल टी वी आ रहे हैं टी वी सेट्स उसमें डिजिटल कैमराज में सिटी प्लेयर्स में मोटर व्हीकल्स वॉशिंग मशीन्स माइक्रोवेवस डिश वॉशर एंड ट्रैफिक लाइट्स इन सभी में एम्बेडिड कंप्यूटर प्रजेंट होते हैं आपको नीचे फिगर भी दिखाई दे रही है ए टी एम डिजिटल कैमरा कार सीडी प्लेयर माइक्रोवेव एंड ट्रैफिक लाइट इन सभी में हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर प्रेजेंट होता है आई होप कि आपको कंप्लीट चैप्टर समझ आ गया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब uh, करें और आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नो, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके